हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 के फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले आपने हमारे वीडियो का पार्ट नंबर 4 देखा होगा, उसमें हमने अवतल और उत्तल दर्पण के जो सभी अक्ष है या मुख्य अक्ष कुछ भी, वक्रता, केंद्र, त्रिज्या, ये सब हमने उस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। उसमें बता दिए हम कि वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, फिर आपको ये किरण आरेख अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद है अगला टॉपिक, कुछ महत्वपूर्ण किरण आरेख। हम देखेंगे इसमें कि किरण कैसे अपना प्रतिबिंब बनाती है दर्पण पे, उत्तल और अवतल दर्पण में कैसे किरण अपना प्रतिबिंब बना रही है। तो मान लीजिए, इसके पहले हमने आपको बताया था एक कोई कांच का पूरा गोलाकार एक वृत्त है, कांच का है ये, पूरे चारों तरफ से इसके दर्पण हैं। इसमें अगर अब जाके कोई किरण, ये मान लीजिए आपका मुख्य अक्ष है, वक्रता केंद्र है, ध्रुव है, और ये फोकस तो अभी नहीं होगा, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र, त्रिज्या, ये सब है। अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर इस पर कोई प्रकाश का कोई एक छोटा सा बॉल लेके इस दर्पण पर फेंके, तो अनुमान लगाइए कि ये किधर जाएगी। हो सकता है ये कुछ ऐसे आ जाए। उसी तरह मुख्य अक्ष के समांतर हमने दूसरी किरण ली और इस दर्पण पर दी, आपतित हुई, और फिर ये परावर्तित होके कैसे जाएगी, इधर चली जाएगी। तो जो इसका परावर्तन होने के पश्चात जिस पॉइंट पर ये मिल रही है उसे हम क्या कह रहे थे, वहाँ पे फोकस, मुख्य फोकस। यही दर्पण का क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस हो जाएगा। तो इसमें हमने देखा था कि किरण कैसे आ रही है और परावर्तन के पश्चात जिस पॉइंट पर मिल रही है या फिर मिलती हुई प्रतीत हो रही है उसे हम कह रहे थे कि मुख्य अक्ष का फोकस है। तो आज हम देखेंगे कि किरण कैसे कैसे हम भेज रहे हैं और उसका प्रतिबिंब और किरण आरेख कैसे हमें मिल रहा है, वही हम यहाँ पे एक लॉजिक के टर्म पे प्रैक्टिकली जानेंगे। मान लीजिए ये आपका मुख्य अक्ष है, पहले तो कोई गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण ये कैसा दर्पण है, दर्पण का जो अंदर वाला भाग है वो परावर्तक सतह है और बाहर वाला भाग पॉलिश किया हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। तो अवतल दर्पण पे ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ का केंद्र जो होता है वो क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, और ये इसकी वक्रता केंद्र है और ये मुख्य फोकस है। तो यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर हमने कोई किरण भेजी, इस दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर हमने मान लीजिए कोई किरण भेजी, और ये दर्पण से टकराने के बाद किस साइड परावर्तित होती है, ऐसे हो जाती है। यहाँ से ऑब्वियसली ऐसे ही होगी, अगर हम दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण फेंकेंगे, कोई किरण भेजेंगे, तो वो कैसे होगी, कुछ ऐसे ही वापस आएगी ना। तो अगर ये इस तरह से परावर्तित हो रही है तो ये किस पॉइंट को टच कर रही है, फोकस को टच कर रही है, तो इसका परावर्तन कुछ ऐसे होगा। उसी तरह उत्तल दर्पण में क्या है, उत्तल दर्पण में जो इसका परावर्तक पृष्ठ होता है वो बाहर की तरफ होता है और जो पॉलिश की हुई सतह होती है वो अंदर की तरफ यानी कि पीछे की तरफ होती है। तो यहाँ पे हम कोई किरण, कोई प्रकाश की छोटी सी बॉल इस दर्पण पर भेज रहे हैं, तो ये परावर्तित होकर इस साइड न आने की जगह पे वो वापस ऊपर के साइड चली जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका परावर्तक सतह जो है बाहर की साइड है। अब इधर अंदर जाके तो हम कोई बॉल फेंकेंगे नहीं, प्रकाश की किरण इधर ही से भेजेंगे ना, परावर्तन जिधर से होता है, परावर्तक सतह जिधर से है, तो अगर हम इस पर भेजेंगे तो ये उल्टा ऊपर की ओर जाएंगी। लेकिन इसका जो प्रतिबिंब हमें मिलेगा वो दर्पण के अंदर होगा, तो हम जो ऊपर वाली किरण ये जा रही है उसी को जबरदस्ती पीछे की तरफ खींच लें, मुख्य फोकस से मिला दें, तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनेगा।
और जब दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है, आभासी होता है, मतलब वो प्रतिबिंब नकली कहलाता है, और दर्पण के बाहर अगर मिल रहा है तो वास्तविक होगा, ये प्रतिबिंब क्या होगा आपका, वास्तविक मिलेगा। उसी तरह है नेक्स्ट, अगर हम यहाँ से कोई किरण आरेख भेजें तो ये ध्रुव जो है उसके कुछ नीचे से अगर यहाँ से टकरा कर जाएगी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर होके निकलेगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए परावर्तित होगी, और ये मुख्य फोकस है। अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण पे अगर हम इसी तरह की कोई किरण आरेख भेजें मुख्य अक्ष के समांतर, ये तो वापस उल्टा चली जाएगी, लेकिन ये इसका जो फोकस होगा, सॉरी, जो इसका प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के अंदर मिलेगा, कुछ ऐसे। इसके बाद अगला था, अब इसका अगला देखिए, मान लीजिए हमने कोई प्रकाश की बॉल ली और किरण आरेख वक्रता केंद्र के साथ भेज रहे हैं, वक्रता केंद्र से टच करवाते हुए भेज रहे हैं, तो ये कैसे जाएंगे, इसका परावर्तन किस साइड होगा, ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, तो हमने आगे पढ़ा था वक्रता केंद्र से होकर अगर कोई किरण जाएगी तो वो उसी दिशा में वापस चली जाएगी, तो इसका परावर्तन सेम उसी दिशा में उल्टा हो जाएगा, तो ये ऐसे होगा। और अगर हम इसे उत्तल दर्पण पे भेजेंगे तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर मिलेगा, हमें वापस तो जाएगी लेकिन इसका प्रतिबिंब जो होगा दर्पण के अंदर यानी कि आभासी हमें दिखेगा भी। इसके बाद है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होगा, हमने कोई अवतल दर्पण लिया है और इस पे मान लीजिए कि कोई किरण आरेख है जो कि अनंत से चलकर आ रही है, जैसे इसके पहले हमने एक एग्जांपल बताया था कि जो सूर्य की किरण होगी तो सूर्य तो बहुत दूर होगा लेकिन जो किरणें होगी वो अनंत, मतलब सूर्य को अनंत मान लेते हैं, अनंत की तरफ है, उसकी किरणें अनंत की तरफ से आती हुई हमें मिलेंगी, तो ये जो किरण है अनंत से होकर आ रही है और मुख्य अक्ष के समांतर इस दर्पण पर आपतित हो रही है, मतलब दर्पण पर आ रही है, तो इसका परावर्तन क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, आप पीछे पढ़ चुके हैं कि जब कोई किरण आरेख मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो वो मुख्य अक्ष को काटती हुई, कुछ ऐसे इसका परावर्तन होगा। उसी तरह दूसरी किरण भी अनंत से होकर जा रही है और दर्पण पे इसका उल्टा परावर्तन हो रहा है, ऊपर की ओर चली जा रही है, तो जिस पॉइंट को ये टच करके एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काट रही है उसे हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। तो इसका प्रतिबिंब हमें देखना कि प्रतिबिंब निर्माण कैसे हो रहा है, तो बिंब की स्थिति कैसी है, अनंत पर है, बिंब कहाँ है, अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस पर है, प्रतिबिंब का आकार कैसे होगा, जबकि ये किरण आरेख अनंत से आती हुई मिल रही है तो प्रतिबिंब का आकार बिंदु जैसा होगा, मतलब हमें छोटा सा दिखाई देगा। आप देखिए कि जब सूर्य की किरणें दूर से चलकर आती हैं उसका जब हम परावर्तन करते हैं किसी परावर्तक सतह से, उसका जब परावर्तन होता है तो सूर्य हमें छोटा सा दिखाई देता है जबकि सूर्य बहुत बड़ा सा होता है, तो उसी तरह जो अनंत से किरण आरेख आ रही है जो उसका प्रतिबिंब होगा वो बिंदु जैसा मिलेगा, तो बिंदु आकार का होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, उल्टा होगा, आभासी होगा, कैसा होगा, वास्तविक होगा, और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, मतलब दूर से चलकर आ रहा है और दर्पण पर उल्टा गिरेगा, इसका प्रतिबिंब उल्टा मिलेगा। उसी तरह है नेक्स्ट वाला,
इसके बाद है दूसरा, देखिए मान लीजिए हमने कोई यहाँ पर ये जो मुख्य अक्ष है इस पर हमने कोई बिंब रख दिया जो कि कहाँ पर है, वक्रता केंद्र से परे है। वक्रता केंद्र जो है उससे थोड़ा हटकर हमने कोई यहाँ पर एक चीज़ रख दी जिसे हम बिंब भी कहते हैं। तो उस बिंब से हमने कोई किरण आ रही थी जी, जो कि किरण आ रही दर्पण पर होगी, परावर्तन के पश्चात किस साइड आएगी, ऐसे मुड़ जाएगी जो कि फोकस को टच करेगी। फिर उसी बिंब से हमने एक और किरण आरेख भेजी जो कि वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होगी उसका परावर्तन वक्रता केंद्र पर जो होगा उसी साइड वापस चला जाएगा। तो इन दोनों से जो मिला है प्रतिबिंब हमें वो कैसा होगा, उल्टा होगा। मतलब ये बिंब तो सीधा था, अब ये एरो नीचे चली आई, यानी कि हमें प्रतिबिंब नीचे की साइड मिल रहा है तो उल्टा मिलेगा और वास्तविक होगा। दर्पण के आगे ही हमें मिल रहा है तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। पहले देखेंगे कि बिंब की स्थिति कहाँ पर है, तो केंद्र से परे, सी से परे है। और केंद्र और सी और एफ के बीच है। फिर से रिपीट करते हैं, ये कोई आपका बिंब है मुख्य अक्ष पर है, मुख्य अक्ष पर जो वक्रता केंद्र है उससे थोड़ा हमने परे कोई बिंब लिया है, यानी कि कोई चीज़ ली है और उससे कोई किरण इस दर्पण पर भेजे तो उसका परावर्तन इस साइड होगा, मतलब फोकस से होकर जाएगा। और जो वक्रता केंद्र से अगर हमने कोई किरण आरेख भेजी तो वो उसी साइड वापस चली जाएगी। तो इनके बीच में जो प्रतिबिंब हमें मिल रहा है वो कैसा होगा, एरो नीचे है तो उल्टा होगा और वास्तविक होगा, दर्पण के आगे है तो वास्तविक होगा। अब बिंब की स्थिति कहाँ, मतलब बिंब है कहाँ पर, सी से परे है। और प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ पर हमें मिल रहा है, तो एफ और सी के मध्य यानी कि बीच में मिल रहा है। और कैसा है, थोड़ा सा छोटा, बिंब से छोटा है और वास्तविक और उल्टा है। तीसरी कंडीशन है, इसके बाद अगली स्थिति है, हमने कोई बिंब लिया है जो कहाँ पर है, सर थोड़ा सा रुके। इसके बाद अगला है, हमने कोई बिंब लिया जो कहाँ पे है, वक्रता केंद्र पर है, सी पर है। उस बिंब से अगर कोई किरण आरेख हम ध्रुव पर भेज रहे हैं, मुख्य अक्ष के जो ध्रुव है उस पर अगर कोई किरण आरेख जाएगी तो वो ऐसे उल्टा जाएगी, मतलब परावर्तन के पश्चात इधर चली आएगी। और अगर हम कोई दूसरी किरण भेजें जो मुख्य अक्ष के समांतर हो तो उसका परावर्तन आप पहले देख चुके हैं ऐसे होगा। तो ये दोनों किरणें जो एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगी वो सीधा वक्रता केंद्र के सामने होंगी, मतलब वक्रता केंद्र के जस्ट नीचे होंगी। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर मिलेगा, वक्रता केंद्र के नीचे ही मिलेगा। तो इसे हम कहेंगे, पहले तो बिंब की स्थिति सी पर है, प्रतिबिंब की स्थिति सी के नीचे। प्रतिबिंब का आकार बिंब कहाँ पर है, सी पर है। और जो
इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है उसकी स्थिति कहाँ पर है, वो भी सी पर है, यानी कि जो सी है बस मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो उल्टा होगा। और बिंब कैसा है, मतलब उसका आकार कितना है, तो जो बिंब है देख रहे हैं उससे बड़ा दिख रहा है। तो जो प्रतिबिंब हमारा मिल रहा है वो बिंब से बड़ा है, इसलिए बिंब से बड़ा होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक और उल्टा है। जो दर्पण है, दर्पण के आगे बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा और दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा। तो इसके आगे बन रहा है तो वास्तविक होगा और एरो नीचे दिख रही है तो उल्टा होगा। इसके बाद अगली स्थिति है, बिंब जो हमने लिया है वो वक्रता, केंद्र और फोकस के बीच में है। बिंब कहाँ पर है, वक्रता और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हमने लिए। पहले तो वक्रता केंद्र के पहले लिए थे, तो उसे थोड़ा सा खिसका के हमने वक्रता केंद्र के बाद ले लिया है। तो जो बिंब होगा उससे हमने एक किरण इस दर्पण पर भेजी, जो कि परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जा रही है। फिर हमने एक किरण और ली बिंब से, जो मुख्य अक्ष से इस दर्पण पर भेजी, मुख्य फोकस से इस दर्पण पर भेजी, और वो मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन हो रहा है। इसका उसका परावर्तन कैसे हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर ही मिल रही है। तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो सी से थोड़ा हट के मिलेगा, जो प्रतिबिंब इसका मिलेगा वो सी से हट के मिलेगा और बड़ा होगा। देखिए चौथा पॉइंट है, बिंब कहाँ है, सी और एफ के बीच में। प्रतिबिंब सी से परे, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, बहुत बड़ा। मतलब जो बिंब है, बिंब तो छोटा सा है, प्रतिबिंब उससे बड़ा मिल रहा है, बहुत ही बड़ा मिल रहा है, तो इसे हम प्रतिबिंब का आकार बड़ा है। उसके बाद है इसकी प्रकृति, प्रकृति कैसा है। अब देखिए हम बता रहे थे कि एरो जब नीचे होगी तो प्रतिबिंब कैसा मिलेगा, उल्टा होगा, वास्तविक तो होगा क्योंकि दर्पण के बाहर मिल रहा है, तो वास्तविक होगा लेकिन उल्टा होगा। तो वास्तविक और उल्टा ये भी हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद हम देखेंगे अवतल दर्पण। आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद हम अगली टॉपिक देखेंगे कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। थैंक यू।